हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये एपी फैन का पैनल है और ये आपका कूलर मोटर का पैनल है। तो दोस्तों इसमें जो बूस्ट लगा हुआ है, या इसमें जो बूस्ट बोलिए आप लोग, इसमें बूस्ट जो लगा हुआ है और इसका बदलने में कौन कौन सा पार्ट्स यूज किया जाता है, मैं दोनों फैन को दिखाऊँगा कि दोनों फैन में अगर बूस्ट बदला जाए तो इसके लिए क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नए नए टेक्निकल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और एक एक बेसिक पॉइंट की जानकारी मैं दूँगा। बहुत सारे यूज़र को या नए लड़के को ये होता है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगता है, बूस्ट की कौन कौन सी पार्ट्स होनी चाहिए, उसके विषय में हमें नॉलेज नहीं है और दुकान पे जाते हैं तो उसको पता नहीं चल पाता है। इसलिए दोस्तों आज ये वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। तो चलिए फटाक से जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बूस हो गया और हर एक बूस पे आपको नंबर लिखा हुआ रहता है। यह 750M है, इस बूस पे 750M नंबर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका बुलेट फैन हो गया और एपी फैन हो गया, उसमें यूज होगा। तो सबसे पहले आपको 750M का बूस लेना है, इस तरह से छोटा मिलेगा। और उसके बाद आपको, उसके बाद इसमें लगने वाले जो रुई होता है इसको नामदा बोला जाता है, ये रुई आपको लेना है क्योंकि आप दोनों पैनल का बदल रहे हैं। तो ये बूस और ये रुई दोनों इसमें यूज होता है। और दोस्तों इसका भी है, तो इसमें कौन सा बूस लगेगा और क्या लगेगा उसका भी मैं जानकारी दूंगा। फिलहाल चलिए, और दोस्तों मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बूस में ये हो गया, आपको बूस लेना है नाम दोस्तों। और इसमें आपको इस प्रकार का रिपीट लगेगा, ये जो आप देख रहे हैं रिपीट बोलते हैं। तो जब आप एपी फैन या बुलेट में लगाइएगा तो ये पतले वाले रिपीट ले लेना है, और ये अल्मोनियम का बना हुआ होता है। आप दुकानदार को बोलिएगा हमको रिपीट चाहिए या लॉक चाहिए अल्मोनियम का, तो इस तरह से आपको टोपी वाले रिपीट मिल जाएगा, तो आप रिपीट ले लीजिए। और इसके अंदर एक चापा लगा हुआ रहता है, वो जल्द ख़राब नहीं होता है। अगर आपको चापा का भी ज़रूरत पड़े बदलने का, अगर इस प्रकार का इसमें चापा है, अगर इस चापा का भी आपको ज़रूरत पड़े तो चापा भी बोलिएगा, तो चापा भी आपको मिल जाएगा। तो अधिकांश दोस्तों ये रिपीट, बूस और रुई नामदा ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो इतना चीज़ लेना है। और इसमें भी दोस्तों क्या करना है, आपका बुलेट का जो होगा तो बुलेट का जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का आता है बड़े वाली, चलिए इस प्रकार का बड़े वाली बूस आता है जो कि आपका बुलेट मोटर में यूज होगा। तो इस प्रकार का बुलेट का लेना है। और दोस्तों इसमें भी क्वालिटी आता है, एक लो क्वालिटी का आता है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये बेहद लो क्वालिटी का है, इसको गिराने से ये क्रैक कर जाएगा ठोकने पे, ये आपको नहीं लेना है, लो क्वालिटी का नहीं लेना है। ये आपके मार्केट में, मेरे मार्केट में ये 10 रुपये का मिलता है, आपके मार्केट के हिसाब से ये चलेगा। और देख लीजिए दोस्तों, इस पर भी लिखा हुआ है, उसका नंबर है दोस्तों, एक सौ अंठानवे नंबर का इसमें बूस है, 198N 198 बोलिएगा, 198 नंबर का ये आपका इसमें कूलर में लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बूस की जानकारी हो गई। तो इसमें भी दोस्तों इससे बड़ी नमदा लगेगा, इस प्रकार की नमदा आएगा आपको जो कि इसमें फिट बैठता है। और नमदा के बाद दोस्तों इसमें चापा नहीं लगता, इसमें स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग आपका जल्द ख़राब नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप ये रिपीट को खोलिएगा बदलने के लिए, तो सबसे पहले आप ये नामदा दे दीजिएगा, फिर बीच में बूस दे करके आप इसको लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों इतना काम करना है। इसके लिए दोस्तों ये मोटी रिपीट आएगा। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और मैं जितनी भी बातें बतलाया आपको, इसको नामदा बोलना है, इसको दोस्तों बूस बोलते हैं, और इसको दोस्तों रिपीट बोलते हैं, बस इतना चीज़ लेना है और यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पूरी देखें और लाइक करें। तो इसी आशा के साथ दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन अमित अमन आप लोगों को
हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।